बाद है ट्रांसप्लांट के कितना है, क्योंकि हम सभी यहाँ पे है जो जानना चाहते हैं एक दूसरे का क्रिएटिनिन लेवल कि 1 साल बाद क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है, क्या तुरंत ट्रांसप्लांट होने के बाद क्रिएटिनिन लेवल आपका चेंज होने लगता है, एकदम से कम होने लगता है, या फिर उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही बनी रहती है, 2 साल बाद कितना होता है, 2.5 साल बाद कितना है, और अगर कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस टाइम आपका क्रिएटिनिन लेवल को क्या होता है, क्या वो लो जाता है, हाई जाता है, या फिर कैसे जाता है। तो वेल गाइस, ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं जो कि आज बताने वाली मैं अपने इस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेशमी सिंह व्लॉग्स। नमस्कार आप सभी का, मैं स्वागत करती हूं आप सबका मेरे चैनल में। फिलहाल वीडियो को देखने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल। आई एम रेशमी सिंह एंड आई यूज्ड टू व्लॉग अबाउट माय डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, पोस्ट ट्रांसप्लांट जर्नी और बहुत सारी हेल्पफुल चीजें जो उन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं जो डायलिसिस पे हैं, जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है और जो कि पोस्ट ट्रांसप्लांट पे हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करिए और कोशिश किया करिए कि मेरी वीडियोस को आप शेयर कर सके। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब बटन गाइस फ्री है। एंड येस, डू लाइक कमेंट जैसे आप हमेशा करते हैं और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ाते हैं अपने, तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू के दिनों के ट्रांसप्लांट के। जब मेरा रीसेंट ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम मेरा भी क्रिएटिनिन जो है ना बहुत लो नहीं जा रहा था। मुझे याद है कि जब मैं आईसीयू में थी, यानी ट्रांसप्लांट हो गया था, उसके बाद से मेरा क्रिएटिनिन जो है नीचे डाउन डाउन जा ही नहीं रहा था। फिर उन लोगों ने ये ग्राफनोज का वो किया, जो भी उस टाइम प्रोसीजर होती है, क्योंकि हम तो वैसे भी इतने ज़्यादा उस टाइम जानते नहीं है, पेन में ही रहते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। फिर मेरा लास्ट दिन एकदम से क्रिएटिनिन डाउन चला गया था, लाइक तब भी मेरा 1 पॉइंट कुछ था। उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था मुझे। डिस्चार्ज करने के बाद से क्रिएटिनिन जो है मेरा 0 पे आने लगा था धीरे धीरे करके, और यस मेरी स्टेबिलिटी जो है पूरी 1 साल तक गए 0.9 पे ही मेरी क्रिएटिनिन जो है ठीक थी, और बिल्कुल भी ना 0.1 बढ़ा ना कुछ बढ़ा, क्रिएटिनिन मेरी बहुत अच्छी चल रही थी एंड डॉक्टर वॉज टू हैप्पी विद दैट। बट 1 साल बाद इट्स लाइक कि मुझे एक दिन डायरिया हो गया, जस्ट फॉर 1 डे डायरिया हो गया, जिसमें मुझे वॉमिटिंग एंड मोशन दोनों हुआ, जिसके चलते मैं जो दवा जो भी खा रही थी वो दवा भी निकल जा रही थी, और उस टाइम मेरा क्रिएटिनिन बढ़ के 1.2 पे आ गया था। तो वो जो था पहला ऐसा चांस था, यानी 1 साल बाद कि जब मेरा क्रिएटिनिन जो है 0 पॉइंट से सीधे 1.2 पे आ गया था। और फिर वो सिचुएशन बनी कि हमें भी टेंशन होने लगी, अरे यार क्रिएटिनिन फिर 1.2 पे क्यों आ गया। इट इज़ लाइक कि फिर 1 ईयर तक का हम जहाँ मेरा बढ़ा क्रिएटिनिन बढ़ा, उसके बाद से इट इज़ लाइक कि जल्दी फिर बढ़ नहीं रहा था क्रिएटिनिन। फिर कभी 2 महीने पे, 3 महीने पे फिर 1.3 आ गया, 1.4, फाइनली मेरा 1.5 था। अगर मैं बोलूँ मेरा 2 ईयर्स ऑफ ट्रांसप्लांट तो हाँ जी मेरा आराम से 1.5 था, कभी कम हो जाता था लाइक 1.3, फिर कभी 1.5 पे अटक आता था, तो ऐसे ही चल रहा था। और डॉक्टर कह रहा था कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप पानी का इनटेक प्रॉपर लिया करिए, अपनी डाइट प्रॉपर लिया करिए, क्योंकि क्रिएटिनिन क्या होता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और येस इट इज़ यू नो ये जरूर बताया भी गया है कि एक दिन में आपका क्रिएटिनिन लेवल भी चेंज होता है, मतलब अगर आज आपका हाई आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है पूरे दिन में भी हाई आए। तो बात ये भी होती है कि क्रिएटिनिन अब बड़ा जल्दी फ्लक्चुएट होने लगता है। तो खैर हमें अपनी सारी चीज़ों पे सावधानी बरतनी चाहिए, हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं। तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं आ गया था, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा क्या हाई प्रोटीन डाइट ले रही हूँ या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ ऐसा, कि मेरा क्रिएटिनिन जो है ना इतना बढ़ते जा रहा है। एनीवे सो उसके बाद से जो मेरा इन्फेक्शन हुआ, आप लोग को भी पता है कि ये 6 मंथ्स मेरे लिए क्या थे, इट मीन्स 2003 में मेरे लिए 6 मंथ्स जो थे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आधा टेंशन से भरे, क्योंकि हर चीज़ें गड़बड़ हो रही थी ऊपर से नीचे। जो लोग अपडेटेड रहते हैं व्लॉग से मेरे, उन्हें पता होगा मेरी कंडीशन के बारे में। तो बात थी मेरे इन्फेक्शन को लेके, और वैसे भी ये चीज़ें क्लियर नहीं थी एक्चुअली, में प्रॉब्लम हुई थी यहाँ से स्टार्ट, ये हुआ था एक छोटे से पिम्पल्स से स्टार्ट हुआ था, और ये पिंपल ना जाने कब इतना भयानक रूप ले लिया, एक घाव का रूप ले लिया, और वो भी वैसा घाव जिसके अंदर पूरे छेद था।
तो कितने लोग को देखने में ये लगा कि भाई ये वो वाला होता है जिसमें बाती डाला जाता है, तो कोई कुछ बोला कोई कुछ, और रियली जिसने जो बोला, जो डॉक्टर ने बोला, मैंने सारे वो ट्रीटमेंट किए, और गाइज मैं इतनी पेन से गुजरी हूँ, इतनी पेन से गुजरी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं लेफ्ट साइड सोना ही भूल गई थी, क्योंकि इस साइड सो तो पूरे वो पस निकल के आते थे। तो हर एक ट्रीटमेंट हमने उस टाइम किया, क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था कि चीज़ें है क्या क्या नहीं है, और मेरा जो फीवर है वो उतर नहीं रहा था। 102 101 के अराउंड ही मेरा फीवर रहता था, मतलब जब भी सुबह उठो अगर कोई ऐसे हाथ रख दे उसका हाथ ही ऐसे जलने लगे वाला था। तो लाइक मैं खुद परेशान हो गई थी यार, आप खुद ही सोचो कि रोज फीवर होना मतलब क्या है, समझ में नहीं आता था मैं इवन। और मेरा क्रेटिनिन लेवल भी जो है हाई होता जा रहा था, लाइक 2 पहुंच गया था, 2 से वो कब 3 पहुंच गया पता ही नहीं चला। 3 मीन्स आप लोग को भी पता है कि क्रेटिनिन लेवल 3 पे पहुंचना क्या होता है। तो फाइनली ये नवंबर तक मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल आया था वो था 3, और उसके बाद से जब मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे इन्फेक्शन का रीज़न नहीं पता चल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पे सारी टेस्ट होने के बाद से पता चला कि एक कुछ और नहीं है, फंगल इन्फेक्शन जो कि हुआ है मॉइस्चर के चलते। डॉक्टर के अकॉर्डिंग था कि मैं कबूतरों को पालती हूँ, आपको भी पता है नोएडा एंड दिल्ली इज लाइक फुल ऑफ पिजन्स, तो अब इतना नहीं पता था कि भाई कबूतर से भी ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं। खैर जो भी हो चीजें सामने निकल के आई, और रीजन भी पता चला कि क्रेटिनिन क्यों इतना हाई हो रहा है। उसके बाद बात आई मेरी दवाएं चलने की, जो कि अभी भी चल रही है मेरे इन्फेक्शन की दवा, और इट्स लाइक कि चलेंगी एंड यस उसके चलते और भी ज्यादा मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। फिर डॉक्टर को ना ग्राफिनोज को सेटल करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, उन दवाओं के अकॉर्डिंग, ताकि मेरा क्रिएटिनिन जो है हाई ज्यादा ना हो बल्कि लो होने की कोशिश हो। बाकी सारी जितनी भी डाइट थी वही डाइट मुझे फॉलो करनी थी इन्फेक्शन के बाद भी। तो गाइज यहाँ एक चीज क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि आपके ना प्रॉब्लम के हिसाब से भी क्रिएटिनिन बढ़ती है। लाइक अगर आपके हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में नहीं हो रहे, आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा। आपको कोई इन्फेक्शन है, फीवर है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा। आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तब भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा इसका। और अगर कुछ किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो क्रिएटिनिन आपका बढ़ेगा। मतलब रीजन आप साफ समझ के समझ सकते हैं कि क्रिएटिनिन जो ऊपर नीचे होता है सिर्फ और सिर्फ कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप इन चीजों को भी बहुत ज्यादा लाइटली मत लीजिए। हाँ, तो ये सारे रीजन है जिनके चलते आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। वेल, उसके बाद से आपके डॉक्टर ही खुद डिसाइड करेंगे कि क्रिएटिनिन आपका क्यों बढ़ता है और क्या करना चाहिए। तो ये मेरे जो है 2.5 साल में क्रिएटिनिन में जो भी फर्क आया है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी अपडेट की। नाउ आई विल टॉक अबाउट अपडेट, जो बहुत लोग बोल रहे कि इस बार डॉक्टर के पास गई और क्या हुआ। तो यस, मैं बताना चाहती हूँ, अभी जो मेरा क्रिएटिनिन लेवल है वो 2 पे अटका हुआ है। 2 पे इन द सेंस, इसके पहले था 2.2 करके, फिर 2.1 करके आया, अभी 2 आ गया है। तो भगवान की कृपा रही और मैंने अब सही डाइट अभी भी अपना फॉलो किया, रूटीन फॉलो किया, तो यस इट्स गोइंग टू डिक्रीज, और मुझे अपना क्रिएटिनिन लेवल डिक्रीज करना ही करना है। तो मैं जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गई तो डॉक्टर भी खुश थे, रिपोर्ट देखे कह रहे कम से कम तुम्हारा लो जा रहा है क्रिएटिनिन, एंड हीमोग्लोबिन भी बढ़ के 8.4 पे पहुंच गया, यानी 1.4 पॉइंट बढ़ा है। तो यार गाइस 0.4 भी बढ़ता है ना, हीमो भी एच बी और क्रिएटिनिन पॉइंट कम भी कम होता है ना, तो बहुत पॉजिटिवनेस आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब मैं खाने पीने लगी हूँ अच्छे से, और कोशिश करती हूँ कि मैं दवाओं वगैरह से ज़्यादा मैं सारी फूड से ये सारी आयरन वगैरह खा सकूँ, ले सकूँ, ताकि मेरी बॉडी को भी अच्छा फील हो और मैं एनर्जेटिक रहूँ उस चीज़ को लेके। अब मैं कोशिश करती हूँ, बाकी और सारी चीज़ें जो थी वो मेरी नॉर्मल थी। इन्फेक्शन की दवा को लेके डॉक्टर ने बोला कि अभी 6 मंथ्स तक और ये दवा चलेगी, क्योंकि ना चीज़ें वापस भी जल्दी आ जाती हैं, तो इसीलिए 6 मंथ्स तक वो लोग कंप्लीट कोर्स करेंगे इन्फेक्शन को लेके। तो यस गाइस, ये थी मेरी अपडेशन, और कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग, सब कुछ अभी नॉर्मल था, और विश करती हूँ कि आगे भी नॉर्मल हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गिविंग मी दिस मच लव एंड केयर। मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ, और ब्लेसिंग्स आप लोग की ब्लेसिंग्स ऐसे ही लगती रहे, और मैं भी दुआ करती हूँ कि जो लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे बाहर निकल के आए। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्माइल रखिए चेहरे पे, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। सो गाइज कोशिश किया करिए कि खुश रहा करिए, जैसे भी सिचुएशन हो, जैसा भी हो, क्योंकि हमें सहना है। कहते हैं ना, स्ट्रगल के बाद ही हमेशा जो है हैप्पीनेस आती है, तो यस आती है।
बस ये उम्मीद रखिए कि सब कुछ ठीक होगा और ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। बाकी हम प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर सपोर्ट करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। तो यस गाइस, आप ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार।